हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जस्ट फॉर स्टडी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे जो पीजीटी कॉमर्स का एग्जाम हुआ था दिसंबर 2016 में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आता है, कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी इज रिक्वायर्ड इन। कार्डिनल मेजर ऑफ यूटिलिटी कहाँ रिक्वायर होती है? यूटिलिटी थ्योरी में, यानी कि उपयोगिता सिद्धांत में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पे बैक पीरियड रेफर्स टू। तो पे बैक पीरियड रेफर करता है द नंबर ऑफ ईयर्स अ प्रोजेक्ट टेक्स टू रिकवर इस इन्वेस्टमेंट कॉस्ट। ऑप्शन ए, इन डिफरेंस कर्व्स आर यूजुअली। तो इन डिफरेंस कर्व जो यूजुअली होते हैं कन्वेक्स। द टर्म अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू, तो ये रेफर करता है कॉस्ट ऑफ वन प्रोडक्ट इन टर्म ऑफ प्रोडक्शन ऑफ अदर फॉरगॉन। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इज एक्सप्रेस्ड बाई। तो अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस एक्सप्रेस किया जाता है एच वन के द्वारा। कोरिलेशन इज एक्सप्रेस्ड बाई, तो कोरिलेशन को एक्सप्रेस किया जाता है स्मॉल आर के द्वारा। विच इज़ यूज वैन सैम्पल साइज इज स्मॉल। जब सैम्पल साइज स्मॉल होता तो टी टेस्ट उपयोग किया जाता है। टू इवेंट्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट एज पर द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी सिद्धांत के अनुसार दो इवेंट्स जो है इंडिपेंडेंट कहे जाते हैं इफ द अक्रेंस ऑफ वन डज नॉट इफेक्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ अक्रेंस ऑफ अनदर। ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, द सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ डेविएशन ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन फ्रॉम देयर मीन इज 720 एंड द मीन इज 60। द कॉफिशियंट ऑफ वेरिएशन इज, तो कॉफिशियंट ऑफ वेरिएंस आएगा 10%। ऑप्शन ए, अ मेजर करेक्टराइजिंग ऑफ पॉपुलेशन इज कॉल्ड अ पैरामीटर एंड अ सिमिलर मेजर फॉर अ सैम्पल इज कॉल्ड। तो उसे कहा जाता है स्टैटिस्टिक। ऑप्शन डी, रेंज ऑफ द कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन इज। तो कॉफिशियंट ऑफ कोरिलेशन की जो रेंज रहती है वो रहती है प्लस माइनस 1.0। वैन वेरिएशन इन द वैल्यूज ऑफ टू वेरिएबल्स हैव अ कॉन्स्टेंट रेशियो देयर विल बी, तो देयर विल बी लीनियर कोरिलेशन। ऑप्शन बी, नॉन बजटरी कंट्रोल टूल इज। तो नॉन बजटरी कंट्रोल टूल कौन सा है? ऑल ऑफ दीज, इन्वेंट्री कंट्रोल भी है, पीईआरटी भी है, क्वालिटी कंट्रोल भी है। तो पीईआरटी की फुल फॉर्म रहती है प्रोग्राम इवेल्युएशन एंड रिव्यू टेक्निक। कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट इज, तो कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट क्या है? प्रॉफिट। ऑप्शन ए, पी ई आर टी इज़ अ टेक्निक यूज फॉर। पी ई आर टी टेक्निक की बात करें तो ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में टेक्निक यूज़ की जाती है। फुल फॉर्म क्या बताई थी? प्रोग्राम इवेल्यूशन एंड रिव्यू टेक्निक। थ्योरी जेड वाज डेवलप्ड बाई, थ्योरी जेड किसके द्वारा डेवलप की गई थी? विलियम ऑची के द्वारा। ऑप्शन सी, अ लीडर हु टेक्स डिसीजन आफ्टर हैविंग डिस्कशन विद हिज सबऑर्डिनेट्स इज नोन एज। लीडर जो अपने सब ऑर्डिनेट्स से डिस्कशन करके डिसीजन लेता है उसे कहा जाता है डेमोक्रेटिक लीडर। ऑप्शन सी, ऑल ट्रेड मार्क्स आर। तो ऑल ट्रेड मार्क्स जो होते हैं ब्रांड्स हु इज एसोसिएटेड विद कंसेप्ट मार्केटिंग मायोपिया। कंसेप्ट मार्केटिंग मायोपिया के साथ कौन संबंधित है? लेविट। ऑप्शन ए, स्कीमिंग प्राइसिंग इज यूजफुल फॉर। मलाई उतार नीति किससे संबंधित, किसके लिए यूजफुल है? तो ये यूजफुल है लग्जरी गुड्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पी एन बी वॉज एस्टेब्लिश इन। तो पंजाब नेशनल बैंक कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1894 में। मनी मार्केट प्रोवाइज, तो मुद्रा बाजार जो है क्या प्रोवाइड करता है? शॉर्ट टर्म क्रेडिट, यानी कि अल्पकालीन ऋण। विच इज़ द अपेक्स फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट फॉर एग्रीकल्चर। तो कृषि के लिए जो अपेक्स फाइनेंसिंग इंस्टीट्यूट है वो है नबार्ड, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। कब बना था? 12 जुलाई 1982 में। नेक्स्ट है, नरसिम्हन कमेटी इज रिलेटेड टू। तो नरसिम्हन कमेटी रिलेटेड है कमेटी ऑन बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स, यानी कि बैंक। ऑप्शन ए, क्रेडिट रेटिंग। क्रेडिट रेटिंग की बात करें तो क्रेडिट रेटिंग इज यूज टू रेट द बोरोवर्स वाइल गिविंग एडवांसिस। डिक्रीजिंग करंट रेशो इंडिकेट्स, तो डिक्रीजिंग करंट रेशो क्या इंडिकेट करता है? अ स्ट्रेंड लिक्विडिटी। नेक्स्ट है, एट विच वन ऑफ द फॉलोइंग रेट द सेंट्रल बैंक लेंड्स टू बैंक्स अगेंस्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो सेंट्रल बैंक जो बैंक्स को लैंड करता है वो करता है रेपो रेट पर। ऑप्शन ए, व्हाट इज़ अ फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट की बात करें तो ये होता है इट इज़ अ गैप बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसीप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट। ऑप्शन सी, एक्सपेंड द टर्म ए एल एम इज एज यूज इन बैंकिंग फाइनेंस सेक्टर। तो ए एल एम टर्म की बात करें तो ये होती है असेट लाइबिलिटी मैनेजमेंट, यानी कि समापति दायित्व प्रबंधन। व्हाट डज द लेटर आर डिनोट्स ऑन द एब्रीविएशन बी आर एक्ट विच कंट्रोल्स बैंकिंग एक्टिविटीज इन द कंट्री। तो बी आर एक्ट में जो आर डिनोट करता है वो कहता है रेगुलेशन। बी आर एक्ट यानी कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट।
जी ए ए पी रिक्वायर्ड टू, तो जी ए ए पी रिक्वायर्ड होता है ग्लोबल हार्मोनाइजेशन इन अकाउंटिंग में, तो इसकी फुल फॉर्म रहती है जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। नेक्स्ट है व्हेन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया इज कॉन्स्टिट्यूटेड, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड ऑफ इंडिया कब बना था, 1977 में। लेखांकन मानक बोर्ड डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट इज स्वैप्स, ऑप्शन वन। एक्रुअल कंसेप्ट इज रिलेटेड टू, तो एक्रुअल कंसेप्ट किस रिलेटेड है, रेवेन्यू से। अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन इज द अमाउंट द असेट नेवर रिड्यूस टू जीरो, तो कौन सा मेथड होता है, डिमिनिशिंग प्लस मेथड, ऑप्शन बी। इन द एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट प्रॉफिट अराइजिंग फ्रॉम पार्टनरशिप फर्म इज क्रेडिट टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन, तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट में होता है इक्वल प्रोपोर्शन में, ऑप्शन वन। द रेशोज विच मेजर द रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसिंग बाई ऑनर्स एंड फाइनेंसिंग प्रोवाइडेड बाई आउटसाइडर आर कॉल्ड, तो उन्हें क्या क्या कहा जाता है, लेवरेज रेशियो, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कंपनी विद अ पेड अप कैपिटल ऑफ 5000 इक्विटी शेयर्स आर एस 10 ईच हैज अ टर्नओवर ऑफ 4 टाइम्स विद अ मार्जिन ऑफ 8% ऑन सेल्स, द आर ओ आई ऑफ द कंपनी विल बी, तो कितनी होगी आर ओ आई, 32%। नेक्स्ट है कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन रेफर्स टू टेकिंग अकाउंट इन टू, तो रूढ़िवादी की अवधारणा किस बात को ध्यान में रखती है, तो रखती है प्रॉफिट लाइज एंड ऑल पॉसिबल लॉसेज, यानी कि लाभ प्राप्त तथा सभी संभावित हानियाँ। नेक्स्ट है अमाउंट सेट अपार्ट टू मीट प्रोबेबल लॉसेज ऑन अकाउंट ऑफ बैड डेब्ट्स इज, तो डूबी हुई रकम के कारण जो संभावित घाटे को पूरा करने के लिए जो अलग से रखी गई राशि उसे कहा जाता है प्रोविजन, ऑप्शन सी, यानी कि प्रावधान। ऑन यूजिंग रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड ऑन एन एसेट ऑफ आर एस 20,000 एट द रेट ऑफ 10% पर एनम डेप्रिसिएशन फॉर थर्ड ईयर्स विल बी, तो थर्ड ईयर के लिए जो डेप्रिसिएशन होगी वो होगी ऑप्शन सी 1620 रुपीज़। अमाउंट स्पेंट ऑन एन एडवर्टाइजमेंट कंपेन द बेनिफिट ऑफ विच इज लाइकली टू लास्ट फॉर 3 years इज अ, तो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन पर किया गया खर्च जिसका लाभ 3 वर्षों से मिल रहा है तो उसे कहा जाता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कंसीडर द फॉलोइंग आइटम्स डिबेंचर्स प्रीपेड रेंट इंटरेस्ट ड्यू बैंक ओवरड्राफ्ट करंट लाइबिलिटी वुड इंक्लूड, तो करंट लाइबिलिटी में क्या क्या इंक्लूड होता है, ऑप्शन 3 and 4 इंटरेस्ट ड्यू एंड बैंक ओवरड्राफ्ट। नेक्स्ट है द पोर्शन ऑफ द शेयर कैपिटल विच कैन बी कॉल्ड अप ओनली ऑन द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी इज द, तो शेयर कैपिटल का पोर्शन जो कंपनी के समापन पर मांगा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है, रिजर्व कैपिटल, यानी कि संचित पूंजी। नेक्स्ट है डिबेंचर्स कैन बी रिडीम्ड बाई, तो डिबेंचर का शोधन किया जाता है किसके द्वारा, एनी ऑफ द मेथड मैंशन इन ए बी एंड सी अबव, तो ए बी सी किसी मेथड द्वारा, तो देखते हैं ए है परचेज ऑफ ऑन डिबेंचर इन द ओपन मार्केट, सेकंड है कन्वर्टिंग देम इनटू अ न्यू क्लास ऑफ डिबेंचर, थर्ड है कन्वर्टिंग देम इनटू शेयर्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जजिंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी ऑफ अ फर्म, तो कौन सा रेशियो होता है, डेप्ट इक्विटी रेशियो, ऑप्शन ए। इनकम टैक्स इज अ डायरेक्ट टैक्स, ऑप्शन बी। असेसमेंट ईयर स्टार्ट्स फ्रॉम, तो कर निर्धारण वर्ष जो स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। पर्सन इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन, तो पर्सन को किस धारा के अंतर्गत परिभाषित किया जाता है, ऑप्शन ए 231। इनकम फ्रॉम सैलरी इन्वॉल्व इनकम फ्रॉम, तो इनकम फ्रॉम सैलरी इन्वॉल्व होती है ऑल ऑफ दीज सैलरी अलाउंस एंड परक्यूजिट्स इन केस ऑफ कंपनी हु विल साइंड ऑन रिटर्न ऑफ इनकम, तो रिटर्न ऑफ इनकम में कंपनी में किसके द्वारा साइन किए जाते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर के द्वारा। नेक्स्ट है ग्रेचुटी इज टैक्सेबल अंडर द हेड ऑफ इनकम फ्रॉम, तो ग्रेचुटी आय के कौन से सोर्स के अंतर्गत कर योग्य है, तो कौन से सोर्स के अंतर्गत, ऑप्शन ए रेंट। हु इज लाइबल टू पे एनी टैक्स इज कॉल्ड, तो उसे कहा जाता है असेसी यानी कि करदाता जो लाइबल होता है टू पे एनी टैक्स। नेक्स्ट है इनकम फ्रॉम द सेल ऑफ लैंड इज, तो सेल ऑफ लैंड से जो इनकम होती है उसे कहते हैं नॉन एग्रीकल्चर इनकम। एग्जेम्प्टेड इनकम इज, तो एग्जेम्प्टेड जो इनकम रहती है वो रहती है प्रोविडेंट फंड यानी कि भविष्य निधि। दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इज अ, तो दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो एक लोकल
अथॉरिटी है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच बिजनेस लॉसेज आर अलाउड, तो कौन से बिजनेस लॉसेज अलाउड हैं, लॉस डी टू डकैत्स ऑप्शन ए, डीटीसी इज रिलेटेड टू, तो डीटीसी डायरेक्ट टैक्स कोड किस रिलेटेड है, टैक्स से, विच इज एन इनडायरेक्ट टैक्स, सेल टैक्स जो है इनडायरेक्ट टैक्स है। नेक्स्ट है इनकम रिसीव्ड इन इंडिया इन प्रीवियस ईयर्स इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ, तो प्रीवियस ईयर में इंडिया में जो इनकम रिसीव की जाती है किस सोर्स के अंतर्गत टैक्सेबल है, ऑल ऑफ दीज यानी कि रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट और नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑप्शन डी। नेक्स्ट है राजा ऑफ विच प्रिंसली स्टेट फ्लेड टू द माउंटेन्स टू एस्केप सिख आर्मीज अटैक अराउंड 1840 AD, तो 1840 में जो सिख आर्मी का अटैक हुआ था तो किस प्रिंसली स्टेट के राजा जो है माउंटेन यानी कि पहाड़ों तरफ भागे थे, तो कुल्लू, तो कुल्लू के राजा थे अजीत सिंह। विच राजा ऑफ नूरपुर प्रिंसली स्टेट बिल्ट द तारगढ़ फोर्ट इन द टेरिटरी ऑफ चंबा स्टेट, तो नूरपुर प्रिंसली स्टेट के किस राजा ने तारगढ़ फोर्ट का निर्माण किया था चंबा में, राजा जगत सिंह ऑप्शन ए। एट विच प्लेस डज द रिवर ब्यास एंटर कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश, तो कांगड़ा में जो है ब्यास नदी संदोल में प्रवेश करती है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इस लामा डल लेक, तो लामा डल लेक कहाँ पर है, चंबा जिले में ऑप्शन सी। व्हाट इज़ द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ टूरिज्म, तो टूरिज्म की जो मेन ऑक्यूपेशन रहती है वो रहती है म्यूजिक एंड डांसिंग। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज शीला पीक, शीला पीक की बात करें तो ये किन्नौर में है 7025 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग डांस इज परफॉर्म इन द मेमोरी ऑफ बुद्धा, तो बुद्धा की मेमोरी में जो है कौन सा डांस परफॉर्म किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है, शांत डांस, शांत, शाबू और लंग दरमा डांस जो है परफॉर्म किए जाते हैं लाहौल स्पीति जिले में। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ HP इज तालरा सेंचुरी, तो तालरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वन्यजीव अभयारण्य है शिमला जिले में। विच ऑफ द फॉलोइंग पेंटिंग्स डजंट बिलोंग टू शोभा सिंह, तो शोभा सिंह से जो है कौन सी पेंटिंग बिलोंग नहीं करती है, हिल सेन। नेक्स्ट जो है सोनी माहीवाल गद्दी बेले और कांगड़ा ब्राइट जो है शोभा सिंह की पेंटिंग है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज इन चिनाब बेसिन, तो चिनाब बेसिन में कौन सा हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है, ऑल ऑफ दीज सारे हैं किलर, सिसोर, थिरोट। विच इंडियन स्टेट यूनियन टेरिटरी टैगलाइन इज गिव टाइम ऑफ ब्रेक, तो गिव टाइम ऑफ ब्रेक जो टैगलाइन है वो है पुडुचेरी की। विद विच स्पोर्ट इज साक्षी मलिक एसोसिएटेड, तो साक्षी मलिक की बात करें तो ये किस स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, तो ये है रेसलिंग से एसोसिएटेड। हु अमंग द फॉलोइंग इज आर एसोसिएटेड विद ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर की ऑल पार्टी हुरियत कॉन्फ्रेंस से कौन से लीडर एसोसिएटेड है, ऑल ऑफ द अबव सईद अली शाह गिलानी, मिरवाज उमर फारूक और यासिन मलिक सारे ही हैं। पॉपुलर मूवी बॉर्डर वाज बेस्ड ऑन द बैटल ऑफ, तो जो बॉर्डर मूवी है तो किस बैटल के ऊपर बेस्ड है, तो यह है बैटल ऑफ लोंगेवाला, तो इंडो पाक जो वॉर हुई थी 1971 में, तो थार डिजर्ट में जो बैटल हुई थी बैटल ऑफ लोंगेवाला, उसे जो है पॉपुलर मूवी जो बॉर्डर है बेस्ड है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन चूजन फॉर द्रोणाचार्य अवार्ड इन बॉक्सिंग आफ्टर द 2016 रियो ओलंपिक्स, तो 2016 रियो ओलंपिक्स के बाद जो है द्रोणाचार्य अवार्ड जो मिला था बॉक्सिंग के लिए वो मिला था सागरमल दयाल को। बात करें सागरमल दयाल की तो ये बॉक्सर थे और अभी करंट में जो है वुमेन नेशनल वुमेन बॉक्सिंग टीम के जो है कोच हैं। अप्रॉक्सीमेटली हाउ मेनी साइट्स वाइटल साइट्स वर रियूम्ड इन द अर्थक्वेक दैट शुक इटली इन 2016, तो 2016 में जो है अर्थक्वेक में जो है 293 साइट्स जो है तबाह हुई थी। विच सिटी ऑफ म्यांमार इज नोन एज अ सिटी ऑफ मिलियंस ऑफ पगोडाज, तो म्यांमार की किस सिटी को मिलियंस ऑफ पगोडा के नाम से जाना जाता है, बगान। विच कंट्री इज कोलेबरेटिंग विद इंडिया इन बिल्डिंग इट्स सिक्स स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन, तो सिक्स स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन को बनाने में इंडिया के साथ जो कोलाबरेट कर रही है वो है फ्रांस ऑप्शन डी। अगेंस्ट होम डिड PV सिंधु प्ले हर बैडमिंटन फाइनल एट द रियो ओलंपिक्स 2016 के फाइनल में जो रियो ओलंपिक हुआ था तो उसमें जो है पी वी सिंधु ने का जो मैच हुआ था वो था स्पेनिश प्लेयर कैरोलिना मारिन के साथ। व्हाट इज द गुआंटेनेमो US नेवल बेस इन क्यूबा नोन फॉर, तो क्यूबा में जो US का जो नेवल बेस है वो है US मिलिट्री प्रिजन के लिए फेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन है BEP इज कंप्यूटेड बाई, तो BEP जो है किसके द्वारा जो है कंप्यूट की जाती है, तो BEP की फुल फॉर्म रहती है ब्रेक एवन पॉइंट, तो ये होता है फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन PV रेशो। EOQ इज कंप्यूटेड बाई इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी,
जो रहती है वो रहती है अंडर रूट 2DC0 अपॉन CI। काइंड ऑफ शेयर कैपिटल इज, तो शेयर कैपिटल के जो प्रकार रहते हैं वो रहते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रोपर्टी रेशो लेस द शेयर होल्डर फंड टू किसके साथ रिलेट करता है, टू टोटल असेट्स ऑप्शन ए, इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो इज नोन एज, तो इन्वेंट्री टर्न ओवर रेशो को कहा जाता है स्टॉक वेलोसिटी ऑप्शन सी, विच रिफ्लेक्ट्स चेंजेस इन द वर्किंग कैपिटल, तो वर्किंग कैपिटल में कौन रिफ्लेक्ट करता है चेंजेस ऑप्शन सी, फंड फ्लो स्टेटमेंट मटीरियल यूजेस वेरियंस इज कंप्यूटेड बाई, तो मटीरियल यूजेस वेरियंस कंप्यूट किया जाता है ऑप्शन सी के द्वारा, एस क्यू माइनस ए क्यू इंटू एस पी, यानी कि स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस इंटू एक्चुअल क्वान्टिटी नॉमिनल अकाउंट इज, तो नाम मात्र खाता जो रहता है वो रहता है वेजेस अकाउंट यानी कि मजदूरी खाता, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर इज रूल ऑफ, तो ये किसका रूल है नॉमिनल अकाउंट का यानी कि व्यक्तिगत खाते का, कैपिटल अकाउंट इज ओपन इन केस ऑफ, कैपिटल अकाउंट किस केस में ओपन किया जाता है इन केस ऑफ पार्टनरशिप ऑफ बिजनेस, नेक्स्ट है व्हेन अ कंपनी वट एवर अकाउंट इज डिमांडेड आफ्टर अलॉटमेंट इज नोन एज, तो कंपनी द्वारा अलॉटमेंट के बाद मांगी जाने वाली जो राशि जो है क्या कहलाती है, वो कहलाती है कॉल मनी यानी कि याचना राशि, नेक्स्ट है व्हेन नेट प्रॉफिट इज 2,25,000 टैक्सेस 25,000 एंड नेटवर्थ 10 लाख व्हाट इज द रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयर होल्डर इक्विटी, तो कितना रहेगा रेट ऑफ रिटर्न 20%, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट रिकॉर्ड ट्रांजेक्शंस ऑफ, तो ये किसके ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करती है, ऑल रिसिप्ट एंड पेमेंट्स रिलेटिंग टू द करंट ईयर सक्सीडिंग ईयर एज वेल एज द प्रोसीडिंग ईयर, नेक्स्ट है अ मशीन विद अ रिटर्न डाउन वैल्यू ऑफ RS 10,000 हैज़ बीन सोल्ड फॉर RS 13,000 द अमाउंट रियलाइज इज, तो कितना होगा ये कैपिटल अकाउंट एंड प्रॉफिट इन्वॉल्व शुड बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑप्शन डी, मेकिंग द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ एक्चुअल बैड डेब्ट इज ऑन द बेसिस ऑफ, तो किस बेसिस पे होता है ये कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म यानी कि रूढ़िवादिता के परंपरा के अनुसार, नेक्स्ट है ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन प्रोपोर्शन ऑफ 2:1, तो ए और बी जो है पार्टनर है और शेयर करते हैं प्रॉफिट और रेशो, प्रॉफिट और लॉस किस रेशो में 2:1 में, तो एक नया पार्टनर आ जाता है सी, तो उसके साथ जो है प्रॉफिट शेयर करते हैं 1/5, तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना होता है 8:4:3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट, तो कौन सी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है करेक्ट है, ऑप्शन बी असेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटीज प्लस ऑनर्स इक्विटी, कंसिडर द पार्टिकुलर्स गिवन बिलो, तो दिया गया है सेल्स RS 60,000 वेरिएबल कॉस्ट 25,000 फिक्स कॉस्ट 30,000, तो बेस्ड ऑन दिस डाटा द ऑपरेटिंग लेवरेज शैल बी, तो ऑपरेटिंग लेवरेज होगा 7, मार्जिनल कॉस्ट इज अ, तो मार्जिनल कॉस्ट की बात करें सीमांत लागत की तो यह है एडिशनल कॉस्ट ऑप्शन ए, AFC इज कंप्यूटेड बाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की बात करें तो ये होती है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट ऑप्शन ए, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।